वेलकम टू फरमास किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लासिक सीजर सैलेड। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर्ड है एंड कुछ अनप्रिपेयर्ड है। सो यहाँ पे हम लोगों ने चिकन को रेडी कर रखा है। इस तरीके से आप देख सकती हैं, आगे आपको वीडियो में मिलेगी कि इसे हम लोगों ने किस तरीके से रेडी किया है और इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है। साथ में ये क्रोटॉन्स है, ये भी मैंने रेडी कर लिया है, ये भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लेट्यूस है। लेट्यूस को मैंने हाथ से ही रफली चॉप कर लिया है, एज सच कोई शेप साइज इसका नहीं है। और इसकी ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे मैंने मस्टर्ड सॉस लिया है, अबाउट हाफ अ टीस्पून मैं यूज़ करूँगी। मेयोनीज है, ये मेयोनीज मैंने अबाउट 2 टेबल स्पून लिया है। एंड दिस इज 1 लार्ज क्लोव्स ऑफ गार्लिक। सो इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकती हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी यहाँ पे ड्रेसिंग रेडी करते हैं और आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने ये क्रोटॉन्स कैसे रेडी किया और हम लोगों ने चिकन स्ट्रिप्स किस तरीके से रेडी किया। तो चलें हम लोग सबसे पहले ड्रेसिंग रेडी करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक एम्प्टी बॉल लेते हैं और इसमें हम लोग ऐड करते हैं ये मेयोनीज, चॉप्ड गार्लिक, साथ में इसमें अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ मस्टर्ड सॉस एंड अ पिंच और 2 ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। साथ में इसमें हम लोग अबाउट हाफ लेमन स्क्यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग ऐड करते हैं अबाउट अराउंड 2 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल और इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं। तरीके से हो जाती है रेडी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें मस्टर्ड सॉस आपके पास नहीं है तो इसे स्किप कर सकती हैं, नॉट एन इशू। बिना उसके भी बहुत अच्छा मज़े का बनता है। बस आपको मेयोनीज की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर परमेसन चीज़ इसे और क्रीमी आप बनाना चाहती हैं तो परमेसन चीज़ इसमें आप ऐड कर सकती हैं। परमेसन चीज़ मैं दिखाऊँगी मैं कब ऐड करने वाली हूँ, लेकिन आप चाहें तो इस स्टेज पे भी ऐड कर सकती हैं इसे और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। बोनलेस की स्ट्रिप लिया है इस तरीके से और इसे हम लोग पहले अपना प्रोसेस पूरा करते हैं इसका। इसमें हम लोग ऐड करते हैं अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। साथ ही इसमें हम लोग ऐड करते हैं 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर एंड नेक्स्ट हाफ लेमन मैं इसमें स्क्यूज कर रही हूँ। दैट्स इट। इसके अलावा इसमें मुझे और कुछ नहीं डालना है। इसे मिक्स करते हैं और इसे हम लोग ग्रिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैन लगा रखा है और इसमें अबाउट 1 टेबल स्पून के अराउंड ऑलिव ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो रेगुलर ऑयल जो भी यूज़ करती हैं वो ऐड कर लें। और इस तरीके से इससे हम लोग चिकन के स्ट्रिप्स लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने लगा लिया है। अगर आप चाहें तो इसे कवर कर सकती हैं और चाहे जैसे भी बना सकती हैं। बोनलेस से फ़ौरन से रेडी हो जाता है तो आई डोंट थिंक कि आपको कवर की भी ज़रूरत पड़ेगी इससे। तो एक हल्का हो जाता है, फिर मैं इसे दूसरी तरफ फ्रिस्ट करूँगी और आपको दिखाती हूँ। मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर रही हूँ और आई थिंक ये 1 साइड फ्रिस्ट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसकी लीड भी लगा सकती हैं, नॉट एन इशू। तो चलें इसे हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो चुका है, देख सकती हैं, अच्छा सा खूबसूरत सा कलर भी आ गया है और ये हमारा कुक्ड हो चुका है। तो इसे हम लोग एक साइड पे निकालते हैं और नेक्स्ट दिखाती हूँ क्या करना है हमने। कितना खूबसूरत सा अच्छा सा कलर आ गया ना। इसी तरीके से बस करना है आपने भी। नेक्स्ट हम लोग क्रोटन्स रेडी करते हैं। क्रोटन्स रेडी करने के लिए आपको रेडीमेड भी मार्केट में अवेलेबल होता है इजली। यहाँ पे मैं होममेड कर रही हूँ। ब्रेड को मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है, हाथ से ही तोड़ लिया मैंने। और वाइट ब्रेड है ये, इस पे हम लोग ऐड करते हैं अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट इसमें हम लोग ऐड करते हैं ब्लैक पेपर पाउडर, सेम एज अ हाफ टी स्पून। एज आई सेड हाफ टी स्पून, सो हाफ टी स्पून ओनली, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज हम लोगों ने चिकन में भी ऐड किया है और जो इसकी ड्रेसिंग रेडी होनी है उसमें भी आपको जाना है। नेक्स्ट इसमें हम लोग ऐड करते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, अबाउट 2 टीस्पून। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसे सिंपली टॉस कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस इसका दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई या आप चाहें तो पैन, चॉइस इज योर्स, आप जो भी चाहें इसमें आप इसे कर सकते हैं। इसे डालते हैं हम लोग और इसे हम लोग रोस्ट कर लेते हैं थोड़ा, फ्लेम मीडियम रख करके ध्यान से, ताकि ये जले नहीं। तो चलिए इसे रोस्ट कर ले। बस इसे हमें थोड़ा सा क्रिस्पी करना होता है और थोड़ा सा कलर लाना होता है बस। तो लो फ्लेम पे मैंने इसे रेडी कर लिया है और इसे निकालती हूँ और नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हम लोग चिकन को जो है इस तरीके से चॉप कर लेते हैं। बिल्कुल इसे अलग नहीं करना है, बस इस तरीके से इस पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग गैशेस करके छोड़ देना है। इसी तरीके से सभी पे हम लोग कर लेते हैं। एक लार्ज साइज का बॉल ले लीजिए, इसमें मैंने लेटोस ऐड कर लिया है और इसी में हम लोग क्रूटॉन्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट इसमें ये जो हम लोगों ने ड्रेसिंग रेडी किया है इसे ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं बचाऊंगी ऊपर से लगाने के लिए और इसे अच्छे से टॉस कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सब मिक्सअप हो चुका है, क्रोटॉन्स पे और लेटोस पे सब पे अच्छे से इसकी कोटिंग जा चुकी है। तो चलें इसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं सर्विंग बॉल में। इसे सर्विंग बॉल में हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया है। नेक्स्ट जो चिकन हमने दिखाया था, इस चिकन के पीसेस को इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। इस तरीके से और इसके ऊपर से हम लोग ये जो हमारा सॉस रेडी है तो चलें ये हमारा सीजर सैलेड हो जाता है इस तरीके से रेडी। मैंने ऊपर से गार्निश किया है चीज़ के साथ और इसे आप दावतों में भी बना सकती हैं। बहुत मज़े का लगता है, बहुत टेस्टी और डिलीशियस, एंड आप बहुत आसानी से बना सकती हैं। इट्स नॉट एन इशू कि आपको बनाने में बहुत ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए या ऐसा कुछ भी बात नहीं, आप फटाफट से इसे बना सकती हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको हमारी ये सैलेड की रेसिपी कैसी लगी। बाकी भी मैंने और भी आपको सैलेड की रेसिपी दे रखा है, तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि ये आपको सैलेड की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें दोबारा से मुलाकात होगी और भी लजीज रेसिपीज के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।